तो इंडिया की तरफ से उनको जवाब दिया गया। भारत जो है उसके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो अरुणाचल प्रदेश का विजिट किया, अरुणाचल प्रदेश में सीला टनल के इफ्तिताह के लिए भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी गए थे। पीएम मोदी का एक एक कदम चीन को चुभ रहा, कांटे की तरह अब फिर से पीएम मोदी ने अरुणाचल पहुंचकर चीन की चौधराहट निकाल दी। इंडिया के फॉरेन ऑफिस जो है वो भी जारी बात है इसमें बड़ा मसला कर रहा है और बोल रहा है, वो कह रहे जी ये तुम्हारा इंटेग्रल एंड इनअलाइनेबल पार्ट ऑफ इंडिया है। सो वो कहते हैं जो चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का जो स्पोक्स पर्सन ने जो बात की है वो उन कमेंट्स को हम रिजेक्ट करते हैं। और ये मजम्मत जो है ये बड़े सख्त अल्फाज में की है। आर्मी है वो एक घंटा उसको कम हो जाएगा अगर वो तेज तवांग से तेजपुर तक का वो इस के जरिए ये जो टनल है इस टनल के जरिए इस तो इसका इफ्तिताह करने के लिए अरुणाचल प्रदेश हो गए थे। सो एक तरफ देखें कल अग्नि 5 का तजर्बा किया, अरुणाचल प्रदेश का इस इलाके का विजिट किया, वहाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया। इंडिया एक वो अपने बलबूते पे काम करता है, वो किसी से डरता नहीं है, वो किसी के आगे झुक नहीं रहा, चाहे वो हमारा मुखालिफ है लेकिन वो किसी के आगे वो अपने एक उसके जो फैसले हैं वो सॉलिड है। साथ ही जो भारत शक्ति एक्सरसाइजेस जो हैं इनका ऐलान कर दिया। सो इट मींस के प्राइम मिनिस्टर मोदी टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहां पर बात हो रही है चाइना और इंडिया के बारे में कि भाई जब कभी भी अरुणाचल प्रदेश की कोई विजिट होती है ना तब चाइना अपनी तरफ से कोई ना कोई स्टेटमेंट रिलीज करता है और ये कहने की ट्राई करता है कि भाई देखिए अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है और यहाँ पर विजिट ना की जाए। लेकिन अगर आप पिछले कुछ समय से देखो तो अरुणाचल प्रदेश की बाय इंडियन मिनिस्टर्स विजिट बढ़ चुकी है। अब इंडिया ने उससे भी ज्यादा कई सारी चीजें की है, जैसे तिब्बत को लेकर इश्यू था तो हम सबको पता है कि तिब्बत किस तरीके से चाइना के पास गया है, उसको लेकर भी इंडिया ने पॉइंट्स यहाँ पर बाहर रखे थे। और उसके अलावा जो यूएस ने पिछले दिनों एक डेलीगेशन भेजा था टू दलाई लामा तो उसमें भी इंडिया ने अच्छा खासा, हालांकि डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट इंडिया का कुछ नहीं था लेकिन इनडायरेक्टली इंडिया ने भी अच्छा खासा सपोर्ट किया था यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि चाइना जिस तरीके से यहाँ पर कुछ समय पहले या फिर कुछ सालों पहले जिस तरीके से पूरी दुनिया में घुमा करता था उसके पड़ोस में ही उसको रुक जाना पड़ा है कि भाई पहले इंडिया से तो लड़ ले फिर दुनिया को हराएंगे। और दिक्कत यह है कि इंडिया उस हिसाब से जैसे पाकिस्तान सरेंडर कर देता है, श्रीलंका कर देता है या फिर बांग्लादेश कर देता है, इंडिया के पास सरेंडर वाला तो ऑप्शन है नहीं। यहाँ पर यही बात हो रही है, इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूले। अरुणाचल प्रदेश में सीला टनल के इफ्तिताह के लिए भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी गए थे और वहां पर ये तवंग के इलाके से लेके तेजपुर तक, यानी उनकी जो आर्मी है वो एक घंटा उसको कम हो जाएगा अगर वो तवांग से तेजपुर तक का वो इस के जरिए ये जो टनल है इस टनल के जरिए इस तो इसका इफ्तिताह करने के लिए अरुणाचल प्रदेश हो गए थे। चाइना उसको जेंगनान या साउथ तिब्बत कहता है। तो इंडिया की तरफ से उनको जवाब दिया गया कि भाई ये तो हमारा इलाका है, आपका इलाका नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे आने वाले दिनों में हम इसकी मजम्मत करते हैं, एक तो बल्कि इस बात के इम्कानात हैं कि आने वाले दिनों में ये तलखी फिर बढ़ेगी दोबारा इंडिया और चाइना के दरमियान, और ये उस वक्त बढ़ेगी जो वहां पे आगे पीछे सारा सेटअप हो रहा है ना, ये सदारती इलेक्शन हो गए, ये सारा आगे मतलब बहुत सारे इश्यूज इस वक्त दुनिया उनमें उन इश्यूज में फंसी हुई है। तो ये मेरा ख्याल है कि उस वक्त इस बॉर्डर का ठंडा रहना जरूरी है, लेकिन जो इशारे मिल रहे हैं वो ये हैं कि ये ठंडा नहीं। भारत जो है उसके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो अरुणाचल प्रदेश का विजिट किया उसमें चाइनीज ये कहते हैं कि ये जो है ये वॉयलेशन की है। और आज चाइना के जो फॉरेन ऑफिस है उसमें उन्होंने कहा कि हमने ये रिपोर्ट हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक सेला टनल का प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया है और अदर दूसरे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेट किया है,
और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसने इस हवाले से पिक्चर्स और प्रेस रिलीज भी जारी की हैं। और इंडिया के फॉरेन ऑफिस जो है वो भी जारी बात है इसमें बड़ा मसला कर रहा है और बोल रहा है, वो कह रहे जी ये तुम्हारा इंटेग्रल एंड इनअलाइनेबल पार्ट ऑफ इंडिया है। सो वो कहते हैं जो चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का जो स्पोक्स पर्सन ने जो बात की है वो उन कमेंट्स को हम रिजेक्ट करते हैं चाइनीज साइड से। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इंडिया में जहां मर्जी घूमें, जहां मर्जी जो मर्जी ट्रैवल करें, जहां मर्जी प्रोजेक्ट्स का करें, और चाइना के पास इस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को रोकने का, उनके ऊपर क्वेश्चन करने का कोई इख्तियार नहीं है। सो टेक्निकली देखा जाए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का इस दौर इस वक्त इस इलाके का विजिट करना ठीक है, दैट टेल्स के प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस चीज़ का पता है और इंडिया को इस चीज़ का पता है कि चाइनीज कमेंट करेंगे। जब वो ये समझते हैं कि चाइनीज कमेंट करेंगे तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। एक तरफ भारत ये हुआ, दूसरा भारत शक्ति एक्सरसाइज जो है वो पोखरांग के अंदर हो रही है जिसके अंदर ट्राई सर्विसेज जो है एक्सरसाइजेस हो रही है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस सेंस में कि जितनी भी इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट है भारत शक्ति में चाइना जो इंडिया जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। सो एक तरफ देखें कल अग्नि 5 का तजर्बा किया, अरुणाचल प्रदेश का इस इलाके का विजिट किया, वहाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया, और साथ ही जो भारत शक्ति एक्सरसाइजेज जो हैं इनका ऐलान कर दिया। सो इट मीन्स के प्राइम मिनिस्टर मोदी टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहते हैं देयर आर टू थिंग्स। वन चीज ये है कि जी बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल हैं कि फॉर एग्जांपल जी मोदी साहब कश्मीर भी गए थे, उधर भी टेम्परेचर को उठा दिया ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है अरुणाचल प्रदेश गए, उधर भी टेम्परेचर को उठा दिया। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी को पहली बात है टेम्परेचर उठाना आता है कि, और उन्होंने पहले सोचा होता है कि क्या चीज़ें हम करेंगे, किस तरह से चीज़ें हम करेंगे, तो हालात जो हैं वो मीडिया में आएगा और इससे वो जो एक नेशनलिस्ट फीलिंग्स है वो भी आती है। ये अब चाइना कहता है ये अनरिजॉल्व्ड है, और पीएम मोदी ने ये जो सेला टनल बिल्ड किया है ये 13,000 फुट पे है अरुणाचल प्रदेश में, और ये कहा जाता है कि ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी है एंड इट इज़ अ वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। और इस सेंस में पर्टिकुलरली ये मूवमेंट्स ऑफ ट्रूप्स के हवाले से टूवर्ड्स द चाइनीज बॉर्डर ठीक है, एम नहीं वो वहाँ पे तता करने गए इतनी 13,000 फुट के ऊपर, 13,000 फीट के ऊपर जाके आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट का इनॉग्रेट किया, और तकरीबन 825 करोड़ की ये टनल है, और 825 करोड़ की ये टनल है, और जिसे वो कहते हैं नहीं ये कहा जाता है कि लॉन्गेस्ट बाई लेन रोड टनल है इस एटीट्यूड के इस ऑल्टीट्यूड के ऊपर। और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो कश्मीर गए हैं, अरुणाचल प्रदेश गए हैं, आर उस एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ उसकी एक हिस्ट्री है। कहा जाता है कि इंडियन फौज के पास कोई 3500 के करीब बैटल टैंक्स हैं, पाकिस्तान के पास कोई 2400 के करीब बैटल टैंक है। ये पाकिस्तान के अंदर अक्सर बात होती है दैट कैन वी गो फॉर अ वैसल टू वैसल कॉम्पिटिशन विद इंडिया, इज दिस पॉसिबल, कि जिस तरह इंडिया जो है वो अगर फॉर एग्जांपल इफ दे कीप बाइंग न्यू गैजेट्स क्या कैन वी बाय, इफ दे कीप बाइंग न्यू मिलिट्री टॉयज कैन वी बाय दोज मिलिट्री टॉयज। सो ये चीजें जो हैं ये चैलेंज है। अब इंडिया के पास जो है जिसे वो कहते हैं ना कि ये 1,000 से ज्यादा टैंक इंडिया के पास है, पाकिस्तान की बनिस्बत 1,000 टैंक, लेकिन पाकिस्तान के जो टैंक्स हैं दे आर गेटिंग डिप्लेटेड, वो आउटडेटेड होते जा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल इंडिया के जो मेन टैंक्स हैं जो बैटल टैंक्स हैं उसमें अर्जुन MBT है ठीक है जी, और कहा जा रहा है कि अर्जुन जो है दिस इज द 3rd जनरेशन टैंक जो कि इंडिया ने भी लोकल बनाया हुआ है। आपको पता है अब इंडिया पाकिस्तान और चाइना का प्रॉब्लम यह है कि देयर इज चाइनीज इक्विपमेंट जैसे मैं पहले कह रहा था इज नॉट वॉर टेस्टेड। इंडिया जो है वो लोकल कैपेसिटी
प्लस रशियंस को बहुत सारी जगहों में इन्वॉल्व कर लेता है। पाकिस्तान ये सारा कुछ खुद नहीं बना सकता, जो पाकिस्तान चीन के पास चला जाता है। जो इंडिया की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे डीआर जो कहते हैं, ये भी जो अर्जुन एक थर्ड जनरेशन टैंक है, जिसमें 1.120 mm की गन होती है, आर्मर पियर्सिंग फिन होती है, जो कि एंड देन इसकी फॉर एग्जांपल इसके अंदर मशीन गन और गोले शोले भी बड़ी तादाद में लगे हुए हैं। सो इसमें आप ये समझ लें कि मेरे ख्याल 12.7 mm की मशीन गन इसके अंदर एक है। सो इंडियन फौज ने अपनी कैपेसिटी के लिए रखा हुआ है, और कहा जाता है कि अर्जुन जो है ये सिंगल MTU मल्टी फ्यूल डीजल इंजन है, ठीक है जी। सो ये आप इसकी जो स्पीड है वो तकरीबन 67 km/h है। टैंक बहुत बड़ी बड़ी चीज़ होती है। वंस एक दफ़ा मुझे मौका मिला था टैंक में बैठने का, तो टैंक जो है वो बड़ी गंदी बैटल है टैंक की, ठीक है जी। और अर्जुन के अंदर फॉर एग्जांपल मेरा ख्याल है 4 लोग बैठते हैं, कमांडर, गनर, लोडर, ड्राइवर। सो इट्स ए बिग टैंक, मतलब कोई ये मजाक नहीं है। इस तरह इंडिया के पास एक T-90 भीष्मा एक टैंक है, कहा जा रहा है कि जो T-90 है वो भी एक लेजेंडरी रशियन टैंक है, और ये इंडिया ने बहुत पहले परचेस किया हुआ है। और ये जिसे कहते हैं कि इंडिया ने इसको अपग्रेड भी किया हुआ है, जॉइंट कोलेबोरेशन इंडिया और रशिया का और फ्रेंच इंजीनियर्स के साथ। यही चीज़ मैं आपको पहले कई दफ़ा कह चुका हूँ कि प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान के लिए, दैट पाकिस्तान कैन नॉट हैव मोर डिफेंस वेंचर्स। इंडिया हैज सो मैनी ऑप्शंस, रशिया इज जस्ट वन ऑप्शन, फ्रांस इज अनदर ऑप्शन फॉर पाकिस्तान, फ्रांस इज नॉट गोइंग टू गिव एनीथिंग। आपको पता है कि व्हेन वेयर एवर इंडिया गोज, इंडिया आस्क्स दोज सप्लायर्स, यू कैन नॉट गिव सच काइंड ऑफ अ मिलिट्री इक्विपमेंट टू पाकिस्तान। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूँ, दोज हु हैव बीन इन दिस डील्स और दोज हु हैव बीन वर्किंग और इंगेजिंग, और वो पाकिस्तान को कहते हैं कि भाई हमारा मसला ये है कि हम आपको ये चीज़ नहीं दे सकते, ठीक है जी। अब ये जो फॉर एग्जांपल T-90 जो भीष्मा टैंक है, ये फ्रेंच जो इसमें कोलैबोरेशन है, फ्रेंच इंजीनियर्स जो हैं वो इसमें हैं, इसमें रशियन भी आर्मर्ड प्लेट्स लगी हुई हैं। सो ये इसका अपना एक ये 60 km/h की रफ्तार से चल सकता है। इसकी ऊपर 125 mm की स्मूथ बोर मेन गन है और 12.7 mm की हैवी मशीन गन है। सो एंड देन एक इंडिया के पास T-72 जया एक थिंक टैंक है, थिंक टैंक है, टैंक है। और जो T-72 जया है ये एक अपग्रेडेड रशियन मेड T-72 टैंक है। ये बेसिकली 1978 में इंडिया ने परचेज किए थे, एट दैट टाइम रशिया वाज USSR। सो जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी तेज़ी से इंडिया को ट्रांसफ़र हुई है, और पाकिस्तान के पास भी इम्पॉर्टेंट थिंक टैंक्स टैंक्स मौजूद हैं, जिसमें पाकिस्तान का जो मेन बैटल टैंक है दैट इज़ अल खालिद, ठीक है जनाब। और अल खालिद जो है ये भी तगड़ा टैंक, लेकिन पाकिस्तान को मैंने कहा है कि एक ही इशू है, और वो पाकिस्तान को इशू जो है वो ये है कि हमें कोई बंदा मिलिट्री हार्डवेयर देने को तैयार नहीं है। First, they don't trust us. Second, we don't have the capacity. Third, we don't have the money. और यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम वो चीज़ें परचेज नहीं कर सकते। अब इंडिया को तो T-72 जाया या T-90 भीष्मा मिल रहे हैं या अर्जुन MBT जो है वो उसके पास हैं, पाकिस्तान जो है वो स्वाय चाइना के, पाकिस्तान के पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। और आपको पता है कि ये जो ऑप्शन हैं ये आए रोज पाकिस्तान को कोई मुल्क नहीं कहता कि हाँ जी हम आपको दे लेंगे, ये बेसिकली इंडियन टैंक्स हैं। भारत के साथ मिलकर काम कर, भारत से 2000 डॉक्टर जो हैं वो UK जाएंगे। कुछ मूवमेंट देखी गई है, मूवमेंट है जी ये टैंक्स की, जो कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ जो सरहद है उसके ऊपर ये इंक्रीज्ड मूवमेंट है दूसरी साइड से। 2000 भारतीय डॉक्टर जाके तो रेस्क्यू करेंगे उनको। अब यहां ये बताना चाहूंगा 1,00,000 से ज्यादा वर्कर इस वक्त इजराइल में जा रहे हैं, तो इससे भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। दहशतगर्दों को सेफ हेवंस प्रोवाइड करने के हवाले से जो किरदार है, क्या हुआ है अफगानिस्तान के तालिबान को, इनसे बहुत से तालिबान जो है वो किस तरह से अपना एक जमाने में यहाँ छुपे हुए होते थे और फिर निकल कर गए। हम कभी हम आप मुझे आरजू ये बताएं, हम कभी किसी से मिले हैं बगैर पैसे मांगने की गरज से, आपने सोचा?
कि हम किसी कंट्री में हम चले जाएं बगैर पैसे मांगने के लिए। और फिर वहां पहुंचे तो पाकिस्तान की तरफ जो है उन्होंने रुख कर लिया और पाकिस्तान को एक एक मफ्तुआ या एक एक ऐसा गनीम मुल्क समझ लिया है कि उस पर बाकायदा जब चाहे चढ़ाई कर दें। और दूसरा, अफ्रीका में जो असला पहले रशिया बेचता था यूक्रेन की जंग के बाद, वहां एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, भारत ने उसको फिल करने की कोशिश की। दूसरी तरफ IMF और पाकिस्तान के दरमियान जारी मुजाकरात का कल आखिरी रोज है, जहां 1.1 अरब डॉलर की किस्त से मुतल्लिक IMF आपकी सगी फुफो है कि वो आपके खिलाफ ये कर रही है वो कर रही है, तो ये अपने कहानियां अपने तक रखो। वहां पे असला बिकेगा भारत का और भारत का इन्फ्लुएंस जाहिर उसको बढ़ेगा, जो चाइना और अमेरिका उसको अब देखें किस तरह रिसीव करता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको कोविड का समय याद हो तो US से कई सारी रिपोर्ट आई थी और उसमें कहा गया था कि भी जो मेडिकल स्टाफ है उसमें अच्छे खासे इंडियंस हैं। अब देखिए, इंडियंस जो यहाँ पर यहाँ से मतलब जाते हैं US हो UK हो, तो वहां पर नो डाउट वो होते हैं मजदूरी वाले काम में भी होते हैं डेफिनेटली, लेकिन जो इंजीनियरिंग या फिर कहे कि IT वाली या फिर ये जो मेडिकल फील्ड है उसमें अच्छे खासे इंडियंस भरे पड़े हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर यही बात हो रही है कि भाई UK जो है वो आने वाले दिनों में तकरीबन इंडियंस सारे इंडियंस ही बुलाने वाला है अपने यहाँ एज अ डॉक्टर, क्योंकि देखिए एक रेपुटेशन बन जाती है। अगर मान लीजिए कि आप एक पाकिस्तानी है और आप कितने भी अच्छे हैं, लेकिन अगर एक पाकिस्तानियों की रेपुटेशन बन गई है तो आपको भी उस नजर से ही देखा जाएगा। और वैसे ही यहाँ पर बात हो रही कि जैसे जो पुराने इंडियंस वहां पर गए हैं और वहां पर जाकर उन्होंने एक रेपुटेशन बनाई है, तो उस हिसाब से अगर मान लीजिए कि उनको नए स्किल वर्कर्स की जरूरत पड़ती है या फिर नए डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है, वो डेफिनेटली सोचेंगे कि भाई रिकॉर्ड्स इंडियंस के अच्छे हैं तो वो इंडियंस को ही बुलाएंगे। और यहां पर भी यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूले। अगली जो मैं खासकर खबर बताना चाहूंगा वो ये थी कि आपने कहा है कि भारत से 2000 डॉक्टर जो है वो UK जाएंगे, वहां का जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है उनका NHS वो बिल्कुल तबाही के धाने पर है। 1947 के अंदर एक एक्ट के जरिए ये काम में लाया गया था वहां पर और आज बिल्कुल काम नहीं कर रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डॉक्टरों की तनख्वाहें ठीक नहीं है और वहां पे लोकल डॉक्टर बन ही नहीं रहे, लोग जा ही नहीं रहे, डॉक्टर नहीं बन। दूसरा, सिस्टम इस तरीके से कोलैप्स कर रहा है कि हर 8 में से एक आदमी जो है वो इंतजार कर रहा है डॉक्टर को मिलने के लिए और वहां पे एक एक महीने का इंतजार करना होता है, मरीजों को करना पड़ता है डॉक्टरों के लिए। दूसरा, जो इस वक्त 2 लाख से ज्यादा लोग जिनको जिंदगी बचाने के लिए सख्त सर्जरी या ऐसी चीजों को का इलाज उनको चाहिए लेकिन उनको डॉक्टर मुयस्सर नहीं है। 2000 भारतीय डॉक्टर जाके तो रेस्क्यू करेंगे उनको। अब यहां ये बताना चाहूंगा 1 लाख से ज्यादा वर्कर इस वक्त इसराइल में जा रहे हैं और देखा जाए तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि एक तो वह पढ़े लिखे लोग हैं वहां पे और दूसरा बाहर जाएंगे तो वो टेक्नोक्रेट बनेंगे, वो डायस्पोरा नहीं बनेंगे, वो मजबूरी बन जाएंगे, उन कौमों को जहां जाके वो काम करेंगे। तीसरा, इस वक्त और चीज जो सामने आ रही है कि भारत असला बना के अफ्रीका में और गयाना में बेच रहा है। गयाना ने आज 2 जहाज खरीदे भारतीय निजात भारतीय बने हुए। अब उसके साथ ये जो खासकर देखने वाली बात आ रही है कि जब भी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो फिर वो आपके साथ परमानेंट रिलेशनशिप बन जाते हैं, तो इससे भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो ये सारा कारोबार अमेरिका का था। अमेरिका ये डिफेंस के अपने हथियार और जहाज बना के बेचता था, अब अमेरिका इसको किस तरीके से लेगा ये अब सोचने वाली बात है। ये इतना आसान नहीं है कि इनको ये हजम हो जाए। इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत अमेरिका का असला जो है वो बहुत महंगा होता है, इसलिए ज्यादातर कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर पाते। और दूसरा, अफ्रीका में जो असला पहले रशिया बेचता था यूक्रेन की जंग के बाद, वहां एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, भारत ने उसको फिल करने की कोशिश की, बल्कि यहां तक कि अफ्रीकन कंट्रीज में जितने मिलिट्री अटाशेज थे भारत के एम्बेसियों में उनको बुला के ट्रेन किया गया और अब वहां पे असला बिकेगा भारत का और भारत का इन्फ्लुएंस जाहिर उसको बढ़ेगा, जो चाइना और अमेरिका उसको अब देखें किस तरह रिसीव करता है, ये एक नई क्वेश्चन है। इससे आगे हम चलेंगे तो इसमें इस वक्त अगर देखा जाए तो आज अमेरिका के अंदर एक और बात हुई है कि डेविड लू, वो साइफर वाले भाईजान थे जो उनको बुला के
तो आज उनकी हियरिंग हुई है, उन्होंने जो उन्होंने कांग्रेशनल एक हियरिंग है उसमें जाके उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी 2024 के अंदर जो इलेक्शन हुए थे उनको 3 प्रॉब्लम थे उस इलेक्शन के, किसी सियासी रहनुमा और पार्टियों को रजिस्टर होने का मौका नहीं दिया गया, दूसरा उन्होंने कहा कि इंटरनेट बंद था उस दिन पूरा दिन, और तीसरा उन्होंने कहा कि इलेक्शन की जो निगरानी करने के लिए तंजीमें गई उनको उनकी एक्सेस को रोका गया। इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? जीरो, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। ये सिर्फ एक हियरिंग तक थी, इससे ज्यादा नहीं थी। मैथ्यू मिलर जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा है कि हमने कई दफा कहा है भाई कि ये इनका साइफर के साथ भी कोई रिलेशनशिप नहीं था, और ये दूसरा डेविड लू की जॉब की ड्यूटी का एक हिस्सा है कि उन्होंने जाके टेस्टिफाई करना होता है, लेकिन इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा कुछ भी। मेरे बच्चे जो लौंडे लपाड़े फारिग हैं वो उर्दू में ट्वीटें करेंगे, जश्न मनाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। वो डेविड लू को आपने जिंदा किया, वो भी खुश होगा कि यार मैं किसी खबरों में नहीं आ रहा था, चले मुझे किसी ने कवर किया है। अब इससे ज्यादा जो परेशानी की बात आपने खुद जो शुरू में कह दी है कि थॉमस वेस्ट जो कि प्रेसिडेंशियल एनवॉय हैं, वो अफगानिस्तान का मसला हल करने के लिए दो ममालिक में जा रहे हैं, एक भारत है दूसरा यूएई है। तो भाई हमने सारा कंट्री जला दिया था इस मुल्क के लिए, हमें पूछ ही नहीं रहे। हमें असल प्रॉब्लम तो हम है, असल प्रॉब्लम किसे नहीं मिल रहे। आरजू हमें तबाह अफगानियों ने किया भाई, हमें तबाह करके रख दिया उन्होंने, हीरोइन के और कलाशनकोफ कल्चर और सुइसाइड बॉम्बिंग में हमें तबाह ही इन्होंने किया है, और हमें पूछ ही नहीं रहा कोई। हाँ इसमें एक जरूर बात है, क्यों जा रहे हैं भाईजान जो है थॉमस वेस्ट वहां पे, वो भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अफगानियों को खाने के लिए गंदम तो दे रहा है भारत, 47,000 टन गंदम उन्होंने वहां पे उनको भेजी थी जब उनके बुरे हालात थे, 200 टन के करीब उन्होंने मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिकल दवाइयां वगैरह भेजी थी। उसके बाद एक महीना पहले इंडियन डेलीगेशन ने जाके अमीर खान जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे जाके मुलाकात की, उनसे डिस्कस किया गया अफगानिस्तान के हालात। और तीसरा, इस वक्त अफगानिस्तान के जो लोग हैं, एक तो आपके अंदर घुस घुस के मार रहे हैं टीटीपी वाले, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपने जो उनके अंदर जाके हमला किया उसके रिटेलिएशन में उनकी धमकियां आनी शुरू हो चुकी। मैं तो वो कुछ अल्फाज इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता वो जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उधार पर तेल देने से इनकार कर दिया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उधार पर तेल देने से इनकार कर दिया, यानी एब्सोल्युटली नॉट। क्यों देख के जो सऊदी अरब, कुवैत, कतर ने ये पाकिस्तानियों को कहा है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी जो वहां पे रहते हैं वो उनका जो बिहेवियर है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। देगी आपको दुनिया पैसे, आपके लीडर की फैक्ट्रियों के लिए देगी पैसे, रायबेड महल के लिए पैसे दे, या फिर एवनफील्ड डिपार्टमेंट्स के खराजात के लिए पैसे दे, दुनिया कभी भी आपको एक रुपया नहीं देगी और नहीं दे रही। ऐसा मजाकिस्तान बना है कोई? अब क्वेश्चन ये है कि 90% जो बैगर्स हैं सऊदी अरब में पाकिस्तानी हैं। अब ये पता चला है और ये बताया गया है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त वहाँ पे यूएई में है, 50% जो क्राइम्स हैं उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं। कशकोलिस्तान, ऊपर से मजाकिस्तान, उसे ऊपर से तजादिस्तान, ऊपर से तकसीमिस्तान, अपने घरों की सफें दुरुस्त करें। अब सऊदी अरब तो उधार पे तेल देने तक के लिए रजामंद नहीं है, सऊदी अरब तो पाकिस्तान को उधार पर तेल भी नहीं देने जा रहा। अब उधार पर सऊदी अरब तेल नहीं देगा तो पाकिस्तान क्या करेगा? दुनिया आपको पैसे नहीं देगी, क्यों देगी? क्योंकि पूरी दुनिया को पता है आपका, आपकी लीडरशिप के किरदार का, दुनिया कभी भी आपको एक रुपया नहीं देगी। जो है ना ये डिफॉल्ट वाला लफज, ये इस्तलाह जो है, ये मुझे यूं लगता है कि कुछ लोगों ने पाकिस्तान की छेड़ बना ली है कौम की। सऊदी अरब ने भी अब हाथ खड़े कर दिए हैं, इसका मतलब है सऊदी अरब जो है वो भी आपको बाय बाय कह रहा है। ये है इस वक्त की सूरत हाल, और हम अब भी कर्जे कर्जे और सिर्फ कर्जों पर चल रहे हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि आने वाले दिनों में सऊदी जो है वो पाकिस्तान को ऑयल नहीं देने वाला, उधार पर नहीं देने वाला, मना कर दिया गया है। अब एक समय था, जरा सोचिए,
कि जब पाकिस्तान की अमेरिका के साथ इतनी क्लोजनेस थी कि उनको ऐसा लगता था कि भाई, मतलब पाकिस्तान को ऐसा लगता था कि भाई अब इंडिया को तो हम कभी भी कुचल सकते, बस एक अच्छे प्लानिंग की जरूरत है। जितने भी प्लानिंग बनाए उन्होंने सारे के सारे ढह गए। लेकिन उसके बाद अमेरिका को भी लगा कि भाई अब जो है पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, और किसी अच्छे एडवाइजर ने बताया होगा कि भाई हम क्यों पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। तो उसके बाद सिचुएशन ये हो गई कि भाई पूरे के पूरे वेस्ट ब्लॉक ने पाकिस्तान को छोड़ना शुरू कर दिया। और प्रधानमंत्री मोदी 14 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरी दुनिया को समझाया कि भाई आपकी अगर आप देखो तो आपके, मान लीजिए आपके कंट्री की जो ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, वो इंडिया के साथ है, ना ही कि पाकिस्तान के साथ है। आप पता नहीं क्यों पाकिस्तान के साथ इतनी ज्यादा डिस्कशन करते हो। तो पूरी दुनिया को समझ में भी आया। आज सिचुएशन ऐसी है कि जो उधार पर, क्रेडिट पर जितना चाहिए उतना ऑयल जो पाकिस्तान को दिया करता था, वैसे कंट्री आज पाकिस्तान को उधार देने से मना कर रहे हैं। ये इंडिया की जीत है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले कि जो सऊदी अरब, कुवैत, कतर ने ये पाकिस्तानियों को कहा है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी जो वहां पे रहते हैं, वो उनका जो बिहेवियर है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि 90% जो बैगर्स हैं सऊदी अरब में पाकिस्तानी हैं। अब ये पता चला है और ये बताया गया है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो इस वक्त वहां पे यूएई में है, 50% जो क्राइम्स हैं उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं। 50% क्राइम्स, यानी कि 50% क्राइम के अंदर, यानी कि अगर यूएई के अंदर 10 क्राइम हो रहे हैं तो 5 क्राइम पाकिस्तानी करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक डाटा जो है वो रिलीज किया है। सऊदी अरेबिया, जिसके बारे में ये पिक्चर पेंट की जा रही थी कि वो हमें आके हमें रेस्क्यू भी कर लेगा, मामलात हमारे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बहुत बेहतर हो जाएंगे, तो वो तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम। अब सऊदी अरब तो उधार पे तेल देने तक के लिए रजामंद नहीं है। सऊदी अरब तो पाकिस्तान को उधार पर तेल भी नहीं देने जा रहा। अब उधार पर सऊदी अरब तेल नहीं देगा तो पाकिस्तान क्या करेगा? आपका जो इलेक्टेड ऑफिशियल है, जब वो जाता है तो वो ये एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं कि सऊदी अरब हमें कुछ पैसे देगा या कोई इन्वेस्टमेंट या कोई इस तरह के मामलात करेगा। अदरवाइज सऊदी अरब की इसके अलावा क्या अहमियत है, आप मुझे जरा बताएं। पाकिस्तान के किसी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक किसी मामलात में उसकी क्या अहमियत है सिवाय पैसे देने के? तो जाहिर है कि उन्होंने पैसे, मैं समझता हूं कि इस दफा जो है वो सऊदी बहुत ज्यादा रियलिस्टिक हो गए हैं। और अब सऊदी अरब के अंदर भी जो एक शौर डिवेलप हो रहा है सोशल मीडिया की वजह से, उसकी वजह से भी अब वो शहनशाही खाते हैं कि जिसको मर्जी उठा के इतने दे दिए, अब वो भी नहीं कर सकते क्योंकि अब वहां भी क्रिटिसिज्म शुरू हो गया। आप जो है वो सऊदी अखबारात उठा के पढ़ें तो उनमें अब ये चीजें डिस्कस होती हैं, वो बादशाहों की तरह की वाली बात नहीं रही कि ठीक है जी ब्रादर इस्लामी मुल्क है तो 10 बिलियन दे देते हैं। इसलिए उन्होंने जो सरमायाकारी की बात की, देखें सरमायाकारी की बात करना और जो है वो पैसे देने में, ये बहुत बड़ा फर्क है। और मैं समझता हूँ कि ये पॉलिसी में जंप है, क्योंकि आर्मी, जिसका मतलब ये है कि वो दिन गए और जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी सिटीजन हैं उनके लिए वीजा नहीं है। अब होता यह है कि जब भी सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत हमारे लोगों को वीजा नहीं देगा, हम चीखते हैं अच्छा जी इंडियंस को क्यों इतना सपोर्ट किया जा रहा है, बांग्लादेश को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है, दूसरे मुल्क को, तीसरे मुल्क को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है इतना लंबा चौड़ा और हमें क्यों नहीं किया जा रहा। जारी बात है पाकिस्तानी परेशान होते हैं कि भाई हमारे तो ये मुसलमान भाई हैं, ये हमें क्यों इंगेज नहीं करते। भाई मुसलमान भाई होने का मतलब ये है कि आप उनकी जिंदगियां आराम कर दें, आप उनकी जिंदगी में मुश्किलात पैदा कर दें। ऑन द कंट्रेरी आप इंडियंस को देखें, वो पढ़े लिखे भी हैं, वो किसी जगह क्राइम भी नहीं में इन्वॉल्व नहीं है, हो सकता है। लेकिन मुझे ये बात बताएं कि अगर फॉर एग्जाम्पल कतर है, मैं रिसेंटली कतर गया हुआ था, कतर वीजा ऑन अराइवल है, अगर कतर ने आप पे ट्रस्ट करके वीजा ऑन अराइवल दे दी है तो इसका मतलब ये है कि आप वहां पे अब तबाही मचानी शुरू कर दें। आप उन मिस्ट्रेस जो है उसका, वो उसको देखें कि वो आपको वीजे ना दें, आपको रोक लें। हालांकि उन्होंने मेरा ख्याल कहा है कि आपको होटल की बुकिंग और वो सारी चीजें जो है वो दें। बहरहाल ये देखें, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर एक बड़े पैमाने पे ये सोल सर्चिंग होनी चाहिए। इफ देर इज नो सोल सर्चिंग, ठीक है, कि हमारी जो सबसे बड़ी प्रोडक्ट है ना इस वक्त, देखें
द बिगेस्ट प्रोडक्ट पाकिस्तान हैड एट द मोमेंट इज ह्यूमन रिसोर्स. अब मुझे ये बताएं कि अगर आपकी ह्यूमन रिसोर्स जो है वो ह्यूमन रिसोर्स ही ऐसी है कि वो बाहर जाके झूठ भी बोलती है, चोरी भी करती है, क्राइम्स में भी इन्वॉल्व है, डिसेंटली वो पेस्ट भी नहीं आ रही, तो मुझे ये बात बताएं बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, ये सारे, श्रीलंका, इन मुल्कों में से किन को चुनेंगे सारे के मिडिल ईस्टर्न वाले? आपकी आबादी भी बढ़ गई, फिर आप गालियां देंगे यार साढ़े मुसलमान प्राण है, हमारा ख्याल नहीं करते, देखें ये ऐसे नहीं करते. सो एक बड़ा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे जो पाकिस्तानी वहां पे बैठे हुए हैं वो ये करते. जब आप सऊदी अरब से पैसे लेके अय्याशियां करते थे, और मैं इसको अय्याशियां इसीलिए कहूंगा कि आपको जो भी कर्ज देगा उसमें से 80% तो आप इंसानियत पे खर्च कर रहे, उसमें आप मुलाजमीन की तनख्वाहें, पेंशन, मरात, ये सारी चीजें उस पर खर्च कर रहे हैं, तो कोई आपको पैसे जो है इस तरह ब्लाइंडली क्यों देगा? इसलिए उन्होंने दोनों जो अनाउंसमेंट की है कि एक तो ज़र मुबादला बढ़ाएंगे, बिकॉज यू कैन नॉट टच इट, यू हैव टू कीप देयर एंड यू कैन यू, और आपने हमें वापस करना होगा ऑन 24 आवर्स नोटिस. और दूसरा उन्होंने जो है वो इन्वेस्टमेंट की बात की, तो इन्वेस्टमेंट थ्रू कंपनीज होती हैं, वो पहले अपना नफा नुकसान देखेंगे, पूरे मामला देखेंगे, फिर वो देंगे, और उसके लॉन्ग टर्म असरात जाके 3-5 साल बाद जाहिर होने शुरू होंगे. लिहाजा इन दोनों चीजों का पाकिस्तान का जो नंबर वन चैलेंज है डिफॉल्ट, उसके साथ कोई बहुत करीबी तालक नहीं है. आल दो के इससे कुछ लोगों के हौसले जरूर बुलंद होंगे कि उम्मीदें जरूर पैदा होंगी, लेकिन जब तक ये पाकिस्तान का अलल्ले तलल्ले जो हैं कि जिसमें एक आपके पांचवें स्केल का एक मुलाजम है, उसका जो प्रोटोकॉल और खर्चे हैं वो जनाब व्हाइट हाउस के मुलाजमीन से भी ज्यादा हैं अगर, तो फिर आप जितने पैसे बाहर से ले लें, कोई कितनी मदद क्यों ना कर दे, आप जो है वो कहीं नहीं पहुंच सकते. बिल्कुल सही कह रहे हैं बिरस साहब, और अगर हम खुद अपनी मदद ना करना चाहें तो जारी बात है कौन हमारी मदद कर सकता है. बिरस साहब जारी बात है मुल्क के अंदर एक फेवरेबल बिजनेस एनवायरमेंट कहा जाता है, उसके लिए जारी बात है आपको एक लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होना चाहिए. डिफॉल्ट के हवाले से जो है वो बड़ी खबरें आना शुरू हो गई हैं कि हम डिफॉल्ट कर सकते हैं, कितनी सच्चाई है इसमें और मतलब किस तरीके से इससे बचा जा सकता है इस सूरत हाल से? देखिए आयशा, बात यह है कि ये जो बहरान हम इस वक्त जिसका सामना कर रहे हैं ये आज तो क्रिएट नहीं हुआ है, ना ये पिछले 8 महीने में हुआ है, ना ये पिछले 2-3 साल में हुआ है, ये काफी पुराना सिलसिला चल रहा है. अच्छा कि ये फितना इजाद कैसे हुआ, पनपा कैसे, और आज ये एक इतने बड़े देव की तरह हमारे सामने क्यों खड़ा है? जो है ना ये डिफॉल्ट वाला लफ्ज, ये इस्तलाह जो है, ये मुझे यूं लगता है कि कुछ लोगों ने पाकिस्तान की छेड़ बना ली है कौम की. श्रीलंका 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 श्रीलंका, भाई खुदा के वास्ते श्रीलंका के साथ शायद कुछ सिमिलैरिटीज होंगी, लेकिन हम उस हालत को भी अभी नहीं पहुंचे जिसमें श्रीलंका ने डिफॉल्ट किया है. एक बात, हमारे पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, ये कितना प्रॉब्लमेटिक है पाकिस्तान के डिफेंस के लिए, ये कितना खतरनाक है पाकिस्तान के लिए कि उन्होंने ड्रोन्स भी लगा दिए हैं, बिचा वॉचिंग अस, S-400 भी उन्होंने लगाया हुआ है, और देन ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वो टेस्ट भी कर रहे हैं. पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट खासे घबराए हुए हैं अग्नि 5 टेस्ट को लेकर. ये टेक्नोलॉजी अभी तक बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है. पाकिस्तानी आर्मी के लोग भी अब ये बोलने लगे हैं, रिटायर तो बोल ही रहे ऑफ कोर्स, सर्विंग जो है उनकी जिनसे बात हुई वो भी बोल रहे हैं कि यार न्यूक्लियर टेस्ट तक ठीक था, अग्नि 5 जो एक मिसाइल है उसका जवाब नहीं है पाकिस्तान के हाथ में, चाइना की तरफ है, तो इसीलिए अग्नि 5 भी है. इंडिया जो कि IMF के बोर्ड के ऊपर से बाकायदा खत लिखा है IMF को कि वो पाकिस्तान को लोन फैसिलिटी एक्सटेंशन लिंक करे कि ये पैसा जो है वो डिफेंस बजट के ऊपर यूज नहीं होगा. ये बड़ा आम आगे मसाइल पाकिस्तान के लिए आएंगे कि इंडिया जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहा है ये डिस्टेबलाइजिंग है. पाकिस्तान के एनालिस्ट तकलीफ में इसलिए हैं क्योंकि उनकी इक्विवेलेंट टेक्नोलॉजिकल फेलियर बार बार हो गया है. दहशतगर्द हम खुद हैं, अफगानिस्तान नहीं हम, क्योंकि जितने भी दहशतगर्द तंजीमें हैं वो हमने खुद बनाए हैं. ये होता है कि एक डिलीवरी सिस्टम के ऊपर आप नंबर ऑफ वॉर हेड्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं, तो वो जो री एंट्री होती है वो वॉर हेड्स जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट डिस्टेंसेस पे वो जाके अपने अपने टारगेट्स को हिट कर सकते हैं.
नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है अग्नि 5 मिसाइल्स के बारे में। अब दिक्कत यहाँ पर यह है कि अग्नि 5 जो इंडिया ने जो ये मिसाइल डेवलप किया है, अब इससे दिक्कत यह है पाकिस्तान को कि उनके पास कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम है नहीं। वैसे उनके पास चाइना मेड है, लेकिन पाकिस्तान के जो पैनलिस्ट है उसको काउंट करते नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है कि मेड इन चाइना कैसा होता है। तो यहाँ पर बात दरअसल ये हो रही है कि अगर मान लीजिए ब्रह्मोस और ये सारी मिसाइलों में ही दिक्कत हो रही थी, तो इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल बना लिया है, तो आने वाले दिनों में क्या होगा। देखिए, पिछले अगर आप 5-7 सालों से देखो तो कई सारी चीजें ऐसी हुई है जहां से हमने पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ दिया। अगर सिर्फ डिफेंस की बात करें तो S-400 हमने ले लिया, ठीक है। तो पाकिस्तान जितने भी मिसाइलें छोड़े, हम हो सकता है कि अच्छे खासे एक्यूरेसी रेट के साथ हम उसको बीच में ही तोड़ दें। दूसरी रफाइल आ गया हमारे पास, और तीसरी बात दरअसल यहां पर यह है कि अग्नि 5 जैसी मिसाइल्स यहां पर टेस्टिंग हो रही है या फिर डेवलप हमने कर लिया है, तब उसके बाद सॉल्यूशन क्या बचा। पिछले 5-7 सालों से देखो तो यही हो रहा है, और पाकिस्तान के अंदर 5-7 सालों से कोई ऐसा डेवलपमेंट है नहीं रिगार्डिंग डिफेंस, तो डेफिनेटली पाकिस्तान को डरना चाहिए। यहां पर यही बात हो रही है, इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूले। हमारे पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, ये कितना प्रॉब्लमेटिक है पाकिस्तान के डिफेंस के लिए। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली अगर आपको याद हो कि उन्होंने कहा जी कि हमसे एक मिसाइल छूट गया था और वो पाकिस्तान के किसी इलाके में चला गया, एंड देन हमने ये कहा कि हमने महसूस किया कि हमारे एयर सिस्टम के अंदर वो मिसाइल आया, हमने उसको देखा और वो देखा वो गिर गया हमारे मुल्क के अंदर, हम उसे रोक नहीं सके या कुछ कर नहीं सके। ये कितना खतरनाक है पाकिस्तान के लिए कि उन्होंने ड्रोन्स भी लगा दिए हैं विच आर वॉचिंग अस, S-400 भी उन्होंने लगाया हुआ है, और देन ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वो टेस्ट भी कर रहे हैं। और पाकिस्तान, वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड इन ऑल दिस, और क्या हम कोई इंडिजिनियसली को वर्क कर रहे हैं क्योंकि मिसाइल डिफेंस सिस्टम के वाले से, या चाइना के साथ मिलकर कुछ ऐसा काम हो रहा है, या हाउ डू यू सी, आर वी वल्नरेबल और नॉट ऑन दिस? वल्नरेबिलिटी तो है, म्यूचुअल वल्नरेबिलिटी आई वुड से, इंडिया और पाकिस्तान दोनों वल्नरेबल है, और वो वल्नरेबिलिटी की वजह से ही डिटरेंस ज्यादा स्ट्रेंथन होती है। अब ये जब हम बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का, इसके कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस भी हैं। इसको कुछ रिएक्शन टाइम चाहिए होता है मिसाइल डिफेंस सिस्टम को। टेक्निकली अगर हम देखें जो मॉब्स का मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स, ये होती क्या चीज है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है, और इसमें यह होता है कि एक डिलीवरी सिस्टम के ऊपर आप नंबर ऑफ वॉरहेड्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो जो री एंट्री होती है, जब वो आप लॉन्च करते हैं री एंट्री है, तो वो वॉरहेड्स जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट डिस्टेंसेस पे वो जाके अपने अपने टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। तो ये मर्व की टेक्नोलॉजी का एक है। ये टेक्नोलॉजी अभी तक बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। जो मेजर न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट खासे घबराए हुए हैं अग्नि 5 टेस्ट को लेके। अग्नि 5 टेस्ट परसों हुआ था, सबको पता है, काफी बार टेस्ट हो चुका, काफी बार इस पर डिस्कशन हो चुका। लेकिन एक चीज कि पाकिस्तान इतना अंदर से घबराए हुए, पाकिस्तानी आर्मी के लोग भी अब ये बोलने लगे हैं, रिटायर तो बोल ही रहे ऑफकोर्स, सर्विंग जो है उनकी जिनसे बात हुई वो भी बोल रहे हैं कि यार न्यूक्लियर टेस्ट तक ठीक था, अग्नि 5 जो एक मिसाइल है उसका जवाब नहीं है पाकिस्तान के हाथ में, और कब तक हम चाइना की गोद में बैठे रहेंगे, कुछ हमें करना चाहिए, क्योंकि ये मिसाइल ब्रह्मास्त्र है, ये ऐसी मिसाइल है जो हमें जिसका जवाब देने में हमारी पसीने छूट जाएंगे। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र साहब। कर्नल शैलेंद्र साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं और एक लंबे अरसे से भारत माता की सेवा में। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर नमस्कार, जय हिंद। पाकिस्तान के हाथ में अग्नि 5 का कोई जवाब नहीं है, ये तो एनालिस्ट ही बोल रहे हैं। ऐसा क्या कि पाकिस्तान घबराया हुआ है? पाकिस्तान एनालिस्ट के पास जवाब नहीं है, मुझे तो ये नहीं समझ आया, मैंने तो सवाल ही नहीं पूछा था उनसे। अग्नि 5 मेरी वो लकीर है जो मैंने अपने लिए लंबी खींची है। मुझे तो समझ नहीं आया कि क्यों अपने आप को इंसल्ट कर रहे हो, एक्सपोज कर रहे हो, इनकॉम्पिटेंसी दिखा रहे हो, ये बोलकर कि आप अग्नि 5 के बारे में हमसे बात भी कर पाओगे। ये इंसल्ट नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज एनालिसिस। हमने तो पूछा ही नहीं था कभी भी पाकिस्तान से। पाकिस्तान के एनालिस्ट तकलीफ में इसलिए हैं क्योंकि उनकी
इक्विवेलेंट टेक्नोलॉजिकल फेलियर बार बार हो गया है, टू दी एक्सटेंट कि उनकी इसी तरह की जो मिसाइल जब वो टेस्टिंग स्टेज पे कुछ करना चाह रहे थे तो वो उन्हीं के यहां गिर गई और लोग भी मर गए थे। ये रिकॉर्ड पर है, उनसे ही पूछ लीजिएगा, वो अपने आप बता देंगे। अब क्योंकि अगर अगर पाकिस्तानी आज सच बोलने पर उतर आए हैं कि हमारे पास इसका जवाब नहीं है, आई होप लाइक हेल कि दे विल बी ऑनेस्ट और बताएंगे। अब आगे बात कि वो घबराहट क्यों है। देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान जब से पैदा हुआ है उसे आदत है कि किसी की गोद में खेलना है। पहले यूएस की गोद थी, F-16 आ जाते थे, सैटेलाइट इमेजरी आ जाती थी, वो आपका 7th फ्लीट आ जाता था जरूरत पड़ने पर, आदत है, पैसा भी आता था, रसद सामग्री भी आती थी। जैसे ही वहां से हटे चाइना आ गया तो उन्हें लगा कि आज भी हम टेररिज्म रिलेटेड न्यूसेंस इरिटेंट इंडिया फोर्सेस के लिए खड़ी करके रखेंगे, जबकि हमारी स्ट्रैटेजिक डिफेंस जो उनकी अपनी स्ट्रैटेजिक डिफेंस है वो चाइना कैटर फॉर कर लेगा। क्यों? क्योंकि चाइना के हर उस स्ट्रैटेजिक टारगेट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके उस सिटीज जो उसकी इकोनॉमिक सेंटर्स हैं, वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। हम फ्रंट फ्रंट की वॉर लड़ लेंगे, 1000 किलोमीटर की लड़ लेंगे, 2000 किलोमीटर की लड़ लेंगे, ऐसा पाकिस्तान का असेसमेंट था कि हम कहीं नहीं ठहरते। और वो आज भी ये बोलते हैं कि आपने अग्नि 5 करके चाइना से पंगा ले लिया।